जारीपटका परिसर में स्थित मटके की दुकान पर मनपा अधिकारियों ने अतिक्रमण कार्रवाई के साथ 5,000 का जुर्माना भी वसूला है। पूरे देश में लॉकडाउन के चलते अतिक्रमण कार्रवाई के आदेशों को 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया। बावजूद इसके मनपा अधिकारियों ने इस व्यवहार ने लोगों को फिर से सरकार के फैसलों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। देश में फैली कोरोना वायरस महामारी ने लॉकडाउन की परिस्थिति ला दी है। सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है वहीं रहे ताकि यह बीमारी और ना फैले। इसी को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अतिक्रमण कार्रवाई के आदेशों को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। बावजूद इसके महानगर पालिका के अतिक्रमण कार्रवाई दस्ते ने जरीपटका स्थित मटके की दुकान को वहां से हटा दिया, जिसके बाद ये लोग कीचड़ स्थित परिसर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। मनपा अधिकारियों द्वारा इन्हें वहां से हटाने के साथ साथ इनका कच्चा माल भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत 30 से 35 हज़ार है। साथ ही 5,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। भैया, आज हमारे देश में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन किया कोरोना वायरस की वजह से, कि कोई जो जहाँ है वो वहीं रहे। ये बेचारे लोग 10 साल से वहाँ पे अपना धंधा पानी कर रहे हैं। उनका एक छोटा सा घर था और वो घर के जैसा लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने बोला वैसा ही अपने घर में 10-15 दिन से बैठे थे। कल भी ये ऐसे ही बैठे थे, एकदम से NMC की गाड़ी आती है, कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं और कुछ अधिकारी आते हैं और इनको एकदम से बोलते कि यहाँ से उठो, और इनका घर तोड़ दिया गया। मटके इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़ा भी, अभी हम कहाँ जाएंगे ऐसे वक्त पे, अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो लॉकडाउन खत्म हो जाए। फिर जबरदस्ती इनके मटके तोड़ दिए गए, इनका एक ट्रक माल वो गाड़ी में जब्त कर लिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि लॉकडाउन के समय में कौन से, खुद ही इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। ये बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले डंडे मार रहे इनको, ये ऐसे लॉकडाउन के समय में ये कहाँ जाएंगे। आज इनको बेघर कर दिया इन्होंने, ऐसी जगह पे इन लोग को रहना पड़ रहा है। इनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, इनके शरीर पे अगर बीमारी वगैरह फैलती, इतनी गंदगी में इनको कोई रहने के लिए जगह नहीं दे रहा, तो बेचारों ने ऐसी गंदगी में आके रह रहे। आज अधिकारी लोगों को समझना चाहिए लॉकडाउन के समय में ऐसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे जो बाहर देश बाहर गाँव से आके यहाँ पे दो पैसा कमाने के लिए आए थे, और जबकि वो कानून का पालन ही कर रहे थे, अपने घरों में बैठे थे, कोई धंधा पानी नहीं, घर में चुपचाप बैठे थे और आके इनका घर तोड़ दिया और इनका घर उजाड़ के आज इनको ऐसी रोड पे लाके बैठा दिया गंदगी की जगह पे। ये सरकार ने बहुत गलत काम किया है और NMC के कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारी, हमने भी उनको बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं माने, वो अपनी एक गुंडागर्दी पे अड़े हुए थे, डंडे लेकर खड़े थे, पुलिस वालों को बुला के हमारे पे, हम जैसे समाज सेवक वहाँ पहुँचे तो हमको भी उन लोगों ने गरम दे दिया, हमको भी बोल दिया कि तुम साइड में हो जाओ, तुम उनके लिए मत करो, हम उनको है ना अतिक्रमण है तोड़ेंगे। तो लॉकडाउन के समय में किस तरह का अतिक्रमण है, ये उनकी एक गलत कार्रवाई है, उन्होंने गलत काम किया है, गरीबों के साथ अत्याचार है। और सरकार के झूठे आश्वासन है कि सरकार इन ऐसे गरीब लोगों की मदद कर रही है, सरकार तो जो घर में रह रहे उनको भी बेघर करने का काम कर रही है सरकार। हम वो पानी का टंकी में 10 साल से रह रहा हूँ, झार मटके का धंधा करता हूँ। इस समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था घर के बाहर मत निकलो, जो जहाँ पे हो वहीं पे रहो। फिर भी हमको गवर्नमेंट ने, महानगर पालिका ने आके कोई लेटर वेटर कुछ भी नहीं दिया, बिना एकदम डायरेक्ट JCB की ला के हमारा घर और सब तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम अभी एक कीचड़ वाला जगह में रह रहा हूँ, ना खाने को मिल रहा है ना कुछ, बाहर जाओ तो पुलिस वाला डंडा मार रहा है। कल कार्रवाई हुआ था, नहीं नोटिस वो चीज़ तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ, वो चीनी मट्टी का सामान लेके गया था, उसमें बहुत सारा माल नहीं मिला अभी तक, कम से कम वहाँ पे 35-40 हज़ार का माल था।